बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, चंद अदद छोटी इलायची, 1/4 कप मैं लूँगी चीनी और 2 कप पानी। चिकन फ्राएंगे पहले घी में, छोटी इलायची जाएगी घी में। इलायची हमने कड़कड़ा ली है घी में काफ़ी देर, तो आप इसको सूजी डालते हैं, थोड़ी सी आँच स्लो करते हैं। इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देसी घी का हलवा बहुत मज़े का लगता है, आप सादा खाएं चाहे पूड़ी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। इसको 3-4 मिनट फ्राई करेंगे सूजी को। अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है सूजी की। आपने इसमें मिसासा चम्मच हिलाते रहना है, नहीं तो नीचे सूजी ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी, काली हो जाएगी, जल जाएगी, इसलिए इसमें मिसासा चम्मच हिलाते रहना ज़रूरी है। सूजी में इतना घी होना चाहिए, जिस तरह ये देखो हो रहा है, ऐसे लगे जैसे पानी में ये मिक्स हो रही है। तो जितना अच्छा घी होगा, ज़्यादा होगा, उतना अच्छा हलवा बनेगा, फिर ये दानेदार होगा, सूजी का केला केला दाना नज़र आएगा। हम इसको दम पे भी रखेंगे थोड़ी देर के लिए। जी सूजी हमारी हो गई फ्राई, बहुत अच्छा इसका इसकी खुशबू आने लगी है, कलर भी चेंज हो गया है, वेरी नाइस कलर हो गया है। अब इसमें चीनी शामिल करते हैं। इसमें 2 कप पानी ऐड करते हैं। अब इसमें बादाम ऐड करते हैं। हमारा हलवा हो चला है तैयार, इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। मैं हलवे को जरूर दम पे रखती हूँ, इससे बहुत अच्छा उसका होता है। जिस तरह चावलों को दम पे रखने से चावल बड़े अच्छे होते हैं, इस तरह सूजी को आप ज़रूर दम पे रखें, ये मेरी टिप है। मैं तो ज़रूर इसको दम पे रखती हूँ 2-3 मिनट के लिए, तो फिर वो जो इसका पानी है वो अच्छी तरह दाना जज़ब कर लेते हैं और बड़ा अच्छा दाना खिला खिला नज़र आता है। बहुत सुंदर अच्छा हलवा मेरा तैयार हो गया है। अब इसको हम दम पे रखते हैं 3 मिनट के लिए, आँच हल्की करते हैं। हमने हलवे को दम पे रख दिया है, हलवा हमारा बहुत अच्छा तैयार हुआ, बिल्कुल दानेदार हलवा है, जिस तरह का मैं चाहती थी। इसका आपको केला केला दाना नज़र आएगा सूजी का। जी व्यूअर्स, हमारा हलवा हो गया तैयार, बहुत अच्छा हलवा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके कैसा बना। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, देखते रहिए कुकिंग आइडियाज़ ऑफ फातिमा नदीम। अल्लाह हाफिज़।